तो जेमिनी क्या कहता है? जेमिनी ये कह रहा है जी कि आरूढ़ लग्न पे अगर अर्गला हुई बढ़िया तो आदमी को राजयोग होना चाहिए। तीन चार प्राइम मिनिस्टर्स के चार्ट पे दिखाता हूं तो आपको मजा आएगा। इंदिरा गांधी का आरूढ़ 10th हाउस में फॉल करता है। अभी मेरी बात पे भरोसा कर लो, बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। 10th हाउस में फॉल करता है इसका अर्गला, 10th हाउस को लग्न बनाता हूं। अब आप देखिए, सेकेंड हाउस में जुपिटर अर्गला दे रहा है, 12th हाउस में कोई विरोध नहीं। थर्ड हाउस में एक केतु एक मानदी, बताओ दो पापी, अर्गला विदाउट विरोध। फोर्थ हाउस पे आते हैं, सैटर्न अर्गला दे रहा है, मून विरोध कर रहा है। अभी हमने सैटर्न मून कंपेयर किया था, हमें पता है सैटर्न बलशाली है, तो इसको तीन अर्गला मिले, एक भी विरोध नहीं मिला। कोई विरोध मिला क्या उसको? नहीं मिला। तो उसको तीन अर्गला मिले, कोई विरोध नहीं मिला। राजयोग था इंदिरा गांधी के पास, प्राइम मिनिस्टर थी वो, तो राजयोग तो है ही ना। गेटिंग माई पॉइंट, समझ पा रहे हैं आप? एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आरूढ़ कहां पर है मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। लग्ना लॉर्ड 5th हाउस में है, तो इसका आरूढ़ 9th हाउस में आएगा, ठीक है। लग्ना लॉर्ड मार्स 5th हाउस में है, आरूढ़ 9th हाउस में आता है, 9th हाउस को लग्न बनाते हैं। सेकेंड हाउस में प्लेनेट नहीं है, 11th में प्लेनेट नहीं है, अर्गला नहीं। थर्ड में प्लेनेट नहीं है और 11th में प्लेनेट नहीं है तो भी अर्गला नहीं बनती। उपग्रह को देखोगे तो परिवेश है और यमकंटक बैठा है। परिवेश खराब होता है लेकिन यमकंटक तो गुड है ना। यमकंटक तो जुपिटर का पार्ट है, इफ यू रिमेम्बर, है ना। यमकंटक इज अ पार्ट ऑफ जुपिटर। एक पापी है, एक पापी से नहीं बनेगा, एक से ज्यादा पापी होने चाहिए। फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा है, वो अर्गला देता है, ठीक है जी। फिफ्थ हाउस की और अगर आप 9th हाउस की बात करोगे तो 5th और 9th हाउस में कोई स्पेशल प्लेनेट नहीं है। 9th हाउस का मार्स वर्गोत्तम भी नहीं है, 5th हाउस का वीनस भी वर्गोत्तम नहीं है, और 5th हाउस का मून जो है कि वो वर्गोत्तम तो है लेकिन सॉरी D9 है जी, ठीक है। तो मून भी वर्गोत्तम नहीं है जी, वीनस भी वर्गोत्तम नहीं है जी, मार्स भी वर्गोत्तम नहीं है जी। इन तीनों में से कोई भी वर्गोत्तम नहीं है। 5-9 वाला वर्गोत्तम है नहीं, एग्जॉल्टेड नहीं है, अपनी राशि नहीं है, मूल त्रिकोण नहीं है, 5-9 से अर्गला बनती है। 2-12, 3-11 से अर्गला नहीं बनती। सिर्फ 4th हाउस में सैटर्न बैठ के अर्गला देता है, छोटी सी अर्गला है उसकी। ये अर्गला इतनी बलशाली नहीं है, छोटी सी अर्गला, हल्की सी अर्गला है। अटल बिहारी, एक मिनट सॉरी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजयोग तो मिला, बट कितने समय वो पता ही है आपको। फिर यानी अर्गला नहीं सपोर्ट कर रही ना उसको, अर्गला सपोर्ट कर ही नहीं रहा राजयोग को। सॉरी सर, बोला लॉर्ड है तो पावरफुल होगा, कोई स्पेशल नहीं। अरे, मतलब अरे भाई जेमिनी कर, सॉरी जेमिनी पढ़ोगे तो सारे रूल हटा, ठीक है सर। जेमिनी में जेमिनी करो, होरा लॉर्ड एटसेट्रा गोज इन प्रश्ना गोज इन एथिक्स नॉट इन देयर, ठीक है। ओके सर। हां तो एमडी इन फर्स्ट हाउस गिव हेल्प व्हेन दिस होरा आई मीन दिस अर्गला फ्रॉम सैटर्न कम्स। सॉरी सॉरी फिर से एमडी मांदी फर्स्ट हाउस विद राहु, मांदी फर्स्ट हाउस तो मांदी इज इन द एसेंडेंट, हाँ ठीक है। तो वो उसकी अर्गला को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, सैटर्न की अर्गला को? नहीं नहीं, फिफ्थ और नाइन्थ में तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या नहीं लीजिए, सैटर्न तो अच्छा लग्न की अगर आप बात करें तो लग्न ट्वेल्थ अगर आप लग्न को देखोगे तो सैटर्न 12th में और जुपिटर सैटर्न मरकरी 2nd में है, ठीक है। अगर आप लग्न को देखोगे तो तीन ग्रह की अर्गला को अकेला सैटर्न कहां से विरोध कर पाएगा? तो दिन जीते हुए तो लग्न पे अर्गला है, लग्न पे अच्छी अर्गला है उसको, लग्न पे जो है बढ़िया अर्गला है ना, तीन तीन वर्सेस एक की अर्गला है लग्न पे, तो प्राइम मिनिस्टरशिप तक लेकर के तो गया, लेकिन आरूढ़ लग्न ने उसको सस्टेन नहीं किया ना, छोटा सा टेन्योर रहा उसका। खैर एक बात मैं आपको बता दूं, जेमिनी आप देखेंगे तो लग्न भूल जाता, आरूढ़ लग्न बनाना, उसको लग्न बना लेना और वहीं से सारे काम करना, लग्न को हटा देना। लग्न का क्या खास मतलब, हम तो ये आरूढ़ से चलेंगे, जेमिनी का ही लग्न लेकर के चलेंगे, नॉर्मल लग्न भूल जाएंगे, वही सारे काम करेंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू का करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जवाहरलाल नेहरू का लग्ना लॉर्ड लग्ना में, ठीक है। लग्ना लॉर्ड लग्ना में होगा तो आरूढ़ लग्न में ही आएगा, मैं पढ़ा बाद में दूंगा, अभी आप मेरी बात भरोसा कर लें, ठीक है। तो सेकंड हाउस और 12th हाउस को देखते हैं, सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है, 12th हाउस से राहु उसका विरोध करता है,
दोनों सेम प्लैनेट हैं, सिंगल सिंगल प्लैनेट हैं, अभी कोई खास कंडीशन लेकर के नहीं बैठे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या आता है कि सैटर्न फिक्स्ड राशि में है और राहु डुअल राशि में, राहु ज्यादा बलशाली होता है, विरोध पावरफुल है। जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनना था और विरोध तो था, भारत पाकिस्तान बंटवारे का विरोध था। लेकिन पाप अरगला अगर आप देखोगे तो मंगल बैठा है, मंगल के साथ मांदी बैठा है, मांदी के साथ इंद्रचाप बैठा है, इंद्रचाप के साथ केतु बैठा है, तो थर्ड हाउस में मोटा मोटी चार पापी है। और मैंने बोला था कि इसको निर्भास अरगला कहते हैं, जिस अरगला का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता नहीं। तो उन्होंने पकड़ा महात्मा गांधी, बोला देश का ही बंटवारा करवा देते फिर हमें कौन, मुसलमान वोट नहीं दे रहे कोई बात नहीं, लेट देम थ्रो आउट ऑफ द कंट्री, हम बना के दिखाएंगे सरकार। और फोर्थ हाउस में तीन प्लेनेट अरगला दे रहे हैं, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला है ही नहीं। तो जब थर्ड हाउस की अरगला, जिसको हम लोग पाप अरगला कहते हैं, बलशाली होती है, तो आदमी ऐसा पाप खेलता है कि फिर उसके सामने जो है कि मतलब उस पाप के सामने फिर सारी शक्तियां पराजित होती, जो कि नेहरू साहब ने जो है कि कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर क्लियर हो रहा है, अब अरगला का स्ट्रेंथ देखो नीलेश जी। शुभम जी, सो द उपकेतु इज ओनली लाइक राइट नाउ उपकेतु इज मृत्यु इन 11th हाउस, राइट? सो ही विल नॉट डू एनीथिंग। देखो नीलेश जी, व्हाट आई सेड, प्लैनेट थर्ड हाउस बेसिकली 11th ही अरगला को थर्ड हाउस की अरगला ऑब्स्ट्रक्ट करती है। लेकिन अगर थर्ड में एक से ज्यादा मेलिफिक हो जाएगा तो वो ऐसी अरगला बनाएगा जिसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो यहां चाहो, तो यहां पर तो दो मेलिफिक, तो मार्स और मांदी ही तो मेलिफिक हो गए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं। या फिफ्थ और नाइन्थ में भी कोई एग्जॉल्टेड स्वराशी वर्गोत्तम प्लेनेट होगा तो उसको भी कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये दो अरगला नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, बाकी अरगला ऑब्स्ट्रक्टिव है। बट मेरा क्वेश्चन ये, सपोज ये चीज नहीं होती तो मृत्यु 11th हाउस में है और थर्ड हाउस में कोई अरगला कुछ भी नहीं है, सो मृत्यु विल बी पुट अरगला ऑन फुल लग्न, राइट? या मृत्यु विल पुट अरगला ऑन, यस यस, वो करेक्ट है ना। और इसमें एक बात अगर आप थोड़ा सा डीपर जाएं तो राहु विरोध कर रहा है ना, तो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने का राहु इंडिकेट्स फॉरेनर्स एंड मुस्लिम पीपल। नॉर्मल जो ज्योतिष में अगर आपने पढ़ी होगी तो राहु दिखाता है मुस्लिम पीपल एंड फॉरेनर्स, वही विरोध कर रहे थे नेहरू साहब का, बट नेहरू साहब टू अनदर वे अराउंड, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, ठीक है। और तो मोदी साहब का चार्ट तो खैर ले लेते हैं थोड़ा सा। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए लिब्रा लगना लेता हूँ, कंसिडरिंग हिज फैशन सेंस एंड द 3 करोड़ कार दैट ही ड्राइव्स, ठीक है। आप स्कॉर्पियो ले सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि लग्ना लॉर्ड सेकंड हाउस में आएगा, सॉरी लग्ना लॉर्ड 11th हाउस में आएगा, तो आरूढ़ लग्ना जो है कि आपका कहां पर आ जाएगा, 9th हाउस में आएगा। 9th हाउस को लग्न बना लेता हूं मैं, 9th हाउस को लग्न में बनाते हैं, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। थर्ड हाउस में ये आ गए दो पापी सैटर्न सन, ठीक है जी। उसके साथ में इधर आप देखोगे तो काल भी है, तो यहां पर है तीन पापी और इसको तो कोई ऑब्स्ट्रक्ट करने से रहा। फोर्थ हाउस में दो ग्रह हैं और 10th हाउस में एक ही प्लेनेट है, तो विरोध उतना बलशाली है नहीं। तो मोदी जी हैड क्लीन स्वीप, वो अच्छा खासा बलशाली, उसमें क्या करना उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बहुत क्लियर हूँ मैं कोई, ठीक है ना, सारी बातें क्लियर है। आरूढ़ लग्न पे आपने देखना है ये अरगला, उसके बाद आपको पता है गुड टू गो है। अच्छा, वो राजीव गांधी थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे क्या, थे संजय राजीव गांधी थे ना, राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, यस सर, राजीव गांधी, ठीक है। देखो राजीव गांधी का लग्नेश लग्न में है, आरूढ़ लग्न भी लग्न में फॉल करेगा, ठीक है। यहां पर देखो वाजपेयी वाला केस याद है, उस केस को याद कीजिएगा। सेकंड हाउस में मार्स है, 12th हाउस में राहु है। अगर मार्स और राहु दोनों में से स्ट्रेंथ को अगर आप देखेंगे तो आपको राहु मार्स ज्यादा बलशाली मिलेगा। एक एक प्लेनेट है, कोई खास कंडीशन नहीं है, मार्स डुअल राशि में मार्स बलशाली होगा, यहां पर एक अरगला मिलती है। 11th हाउस में सैटर्न है, लेकिन उसको इधर से अर्धप्रहर कैंसिल करता है सैटर्न, एक अर्धप्रहर है थर्ड हाउस में, अगर आप लिब्रा में देखोगे आराम से तो है ना, वो सैटर्न की अरगला को कैंसिल करता है। सेकंड हाउस की अरगला जो है वही थोड़ी सी बनी हुई है, बट ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग अरगला नहीं है, जो सामने ऑलरेडी दिखी।
तो राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने और फिर पता ही आप लोगों को क्या हुआ ना, ही वॉज बॉम्ब्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन वाजपेयी में और राहुल और राजीव गांधी में फर्क है कि वाजपेयी जी की अर्गला उतनी स्ट्रांग नहीं बन रही जितनी की राजीव गांधी की बन रही है। यहाँ पर एटलीस्ट अगर आप अर्धप्रहर को छोड़ भी दो, आप अर्धप्रहर और सैटर्न के बीच में स्ट्रेंथ डिसाइड करोगे तो सैटर्न निकल साले निकलेगा, अर्धप्रहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अर्धप्रहर 80% ऑफ द स्ट्रेंथ में खरा नहीं उतरेगा, वो राशि का लॉर्ड नहीं बन पाएगा, डिग्रीज विग्रीज हम अर्धप्रहर करेंगे लेते नहीं, तो अर्धप्रहर को बेसिकली छोड़ ही दो। तो उसको देख लें तो मार्स की अर्गला है, सैटर्न की अर्गला है, दो छोटी छोटी अर्गलाएं हैं, इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई, पावर लॉस नहीं किया उन्होंने, है ना। मर्डर एक अलग चीज होती है, पावर लॉस एक अलग चीज होती है। तो थोड़ी सी अटल बिहारी वाजपेयी के चार्ट से देखो तो एज कम्पेयर टू दैट इट इज थोड़ा सा ज्यादा बलशाली है, इस वजह से जो है कि थोड़ी सी ज्यादा जो है कि स्ट्रांगली इसको जो है कि उसने फल किया, है ना। वैसे आप 11th हाउस में देखोगे तो सैटर्न के साथ इंद्रचाप भी है, है ना, दो प्लैनेट्स हो गए, तो सैटर्न का और मार्स का जो अर्गला है वो थोड़ा सा बलशाली है, बट उतना नहीं है ना। आप राजीव गांधी आपने नरेंद्र मोदी के चार्ट में और इंदिरा गांधी के चार्ट में और जवाहरलाल नेहरू के चार्ट में देखा ना, तीन तीन ग्रह अर्गला देते हैं, विरोध करने वाला कोई नहीं होता, तो बहुत बलशाली अर्गला है। यहाँ तो एक दे रहा है, एक विरोध कर रहा है, उसमें फाइट हो रही है, फिर फाइट में जीत रहा है, तो मेहनत करके जीतने वाला सिनेरियो है ना, तो सब उतना स्ट्रांगली नहीं प्लेस कर पाता पर्सन, समझ रहे, वो ऑब्स्ट्रक्शन को स्मैश कर देने का अलग बात होती है, और लड़ लड़ करके पोजिशन बनाए रखना, वो टिमटिमाते दिए के जैसा थोड़ा सा सिनेरियो होता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। नीलेश जी,